एवरीवन, वेलकम टू अमृताज किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मिंट लूज चटनी, मतलब पुदीने की चटनी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी होती है और इसका फ्लेवर तो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो चलिए बनाते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने 2 कप फ्रेश पुदीना लिया है, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। उसके बाद 1 कप मैंने धनिए के पत्ते लिए हैं, अदरक लिया है, नींबू का रस 2 टीस्पून, उसके बाद फली दाना लिया है, सौंफ ली है मैंने 1 टीस्पून, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और काली मिर्च के दाने 10-12 लहसुन की कलियाँ। उसके बाद मैंने यहाँ ली है हरी मिर्च कटी हुई, करी लीव्स लिए हैं, मसालों में आमचूर पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गरम होने देते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ये सारे मसाले, सौंफ, जीरा और काली मिर्च। इन्हें डाल के हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने इसे फ्राई किया है। अब इसमें फली दाना डाल देंगे और इसे भी इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें लहसुन की कलियां डाल देंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्च कटी हुई, आप आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम हरी मिर्च ले सकते हैं, अदरक कटा हुआ। इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। करी लीव्स डाल देते हैं। हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, बस हल्का हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें फ्रेश पुदीना डाल दूँगी सारा। तो मैं इसमें पुदीना डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसी पे हमें डाल देना है धनिया और इसे भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ चाहे तो कच्ची चटनी जो होती है ना, बिना पकाए वो भी बना सकते हैं, पर पका के इसे जो हम चटनी बनाते हैं, इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और ये ज़्यादा दिन तक अच्छी रहती है। तो इसलिए मैं इसे पका के बना रही हूँ। तो इस तरीके से ये अच्छे से पक चुका है। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने मिक्सर थोड़ी देर ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर पे। अब मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है और ये सारा मिक्सर अब इसके अंदर हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा मिक्सर इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे नींबू का रस। तो मैंने यहाँ 2 टीस्पून नींबू का रस लिया है। उसके बाद इसमें सारे मसाले डाल देंगे, नमक, आमचूर पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये सब भी हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फाइन पेस्ट मैंने बना लिया है। देखिए आप, बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलिए अब एक बाउल ले लेते हैं और इसके अंदर ये सारा पेस्ट हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम एक तड़का पैन ले लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डाल दूँगी सरसों मतलब राई, उसके बाद जीरा भी डाल दूंगी। अब इसे तड़कने देते हैं और इसमें डाल देंगे 2 पिंच हींग। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है काट के। फ्राई कर लेते हैं। इसमें डाल देंगे करी लीव्स। इसे हम अब थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए तड़का लगाते हैं। तो मैंने चटनी पे तड़का लगा दिया है। चटनी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी ताकि तड़का अच्छे से इसमें लग जाए। तो फ्रेंड्स, हमारी मिंट लूज चटनी बिल्कुल तैयार है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी, यमी और हेल्दी होती है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं बहुत ही इजी, यम्मी, टेस्टी रेसिपी के साथ। आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।